अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्दियर पाकिस्तान। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल सेक्लेरोसिस। अब सवाल ये है कि मल्टीपल सेक्लेरोसिस क्या है, मल्टीपल सेक्लेरोसिस ज़्यादातर किस एज में होता है, या मल्टीपल सेक्लेरोसिस जो है वो ज़्यादातर या तो मर्दों में होता है या फिर ज़्यादातर औरतों में होता है। तो मेरी आज की वीडियो इसी के बारे में है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस जो है वो ज़्यादातर औरतों में होता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो कुछ अलामत हैं, जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार है, या बहुत जल्दी थक जाता है, या आँखों में एकदम जो है वो धुंधलापन स्टार्ट हो जाता है, या कुछ केसेस में अगर वो ट्रेमर का भी शिकार हो जाता है, तो ये सब अलामत हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो पेशेंट है वो ज़्यादातर आइसोलेट रहता है और अपनी तकलीफ जो है वो डॉक्टर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता। तो मल्टीपल सेक्लेरोसिस के जो पेशेंट हैं उसके अंदर आप लोगों ने भी हिम्मत पैदा करनी है कि वो अपना जो मसला है वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कस करें। अब मल्टीपल सेक्लेरोसिस में होता क्या है? तो बेसिकली जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या CNS के मतलब जो है वो एक डिजीज़ है, या दिमागी डिजीज़ जिसे आप है वो कह सकते हैं, या एक दिमागी कमज़ोरी को भी इसका नाम दिया जाता है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस में जो CNS है या जो न्यूरॉन्स है उसकी डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है, या आम अल्फाज में जब पैगाम रसानी की जो कनेक्टिविटी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी होगी वो कमज़ोर हो जाती है, तो आपका जो CNS है या ब्रेन जो है वो फंक्शन करके सही तौर पे मैसेज जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को नहीं दे सकता। तो मल्टीपल सेक्लेरोसिस के लिए जो है जो इसकी बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि जो पेशेंट है उसको आप करेजमेंट दें। आप देखेंगे जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है, बहुत ज़्यादा बुझा हुआ रहता है, और उससे वो अपनी डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल भी जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस का पेशेंट है उसके बोलने में भी जो है रुकावट महसूस होती है, आप महसूस करेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा तोतलापन जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं अब इसकी जो है जो पेशेंट रेट है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस इसके जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है। तो अब आपने जो करना है वो इसके ख़िलाफ़ जो है एक लड़ाई लड़नी है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस का जो पेशेंट है वो मुसलसल जो है वो एक जद्दोजहद में रहेगा, उसकी जो होगी विल पावर होगी वो आम बंदी की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी, उसका थोड़ा लाइफस्टाइल जो होगा वो बिल्कुल चेंज होगा, मगर मल्टीपल सेक्लेरोसिस का पेशेंट इसके अंदर हिम्मत खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होगी। हमारी जो एक बहुत ही मशहूर मॉडल है ईमान अली, उनको भी मल्टीपल सेक्लेरोसिस का ही प्रॉब्लम था। उनको स्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल होती थी, स्क्रिप्ट पढ़ने के अलावा उनके जो है एकदम धुंधलापन स्टार्ट हो जाना, और वो इस बीमारी से बखूबी लड़ रही हैं, इवन अब तो उन्होंने शादी भी कर ली है। तो मल्टीपल सेक्लेरोसिस के जो पेशेंट है इसी तरह दुनिया भर में, इसी तरह फिरोज़ा सईद है हमारी एक सोशल मार्केटर है, उनको भी मल्टीपल सेक्लेरोसिस का मसला है, तो वो भी जो है वो कम्पीट कर रही हैं। इसकी जो मेडिसिन हैं वो भी अब अवेलेबल है, और बहुत हद तक ये जो है ये पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। इसमें योगा एक्सरसाइज मस्ट है, ब्रेन सेल्स को आप कितनी देर जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं वो मस्ट है, आप अपना स्लीप शेड्यूल जो है उसको डिफाइन करना होगा। तो मल्टीपल सेक्लेरोसिस से भी जो है वो लड़ा जा सकता है, मगर तब भी लड़ा जा सकता है कि आप इसका एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्योंकि जितना इसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल होगा उतना ही मल्टीपल सेक्लेरोसिस से जो है वो बंदा कॉम्बैट कर सकता है। मल्टीपल सेक्लेरोसिस से ज़्यादातर जो मुतासर होती हैं वो घरेलू खवातीन ही होती हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है अपनी माइंड को भी जो है वो फ्रेश रख दें, अपनी स्लीप शेड्यूल को भी ठीक रखना है, ताकि मल्टीपल सेक्लेरोसिस जैसा प्रॉब्लम है इससे आप कम्पीट कर सकें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।